अगर कोई जहाज के टॉयलेट में लॉक हो जाए तो टॉयलेट का दरवाजा आसानी खोला जा सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि जिस जगह ऑक्यूपाइड लिखा हो। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको जहाज के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे जो सिर्फ जहाज का अमला, खसूसन सिर्फ एयर हॉस्टेस को मालूम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, अगर कभी परवाज के दौरान जहाज में किसी इंसान की मौत हो जाए तो एयर हॉस्टेस या जहाज का अमला उस शख्स की बॉडी को आराम से सीट पे बिठा देते हैं और कोशिश करते हैं कि लैंडिंग से पहले मुसाफिरों को इसकी मौत का इल्म ना हो, क्योंकि ये आइन मुमकिन है कि मौत का सुनकर परवाज के दौरान दूसरे मुसाफिरों में अफरा तफरी मच जाए जिसकी वजह से जहाज अपना तवाजन खो सकता है। नंबर 6, वैसे तो जहाज की सिक्योरिटी काफी सख्त होती है और किसी शख्स के लिए जहाज में कोई असलहा या हथियार ले जाना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी भी तरह हथियार ले जाने में कामयाब हो जाए तब भी जहाज को आजकल हाईजैक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाज के अंदर एक या दो ट्रेंड कमांडोज को मुसाफिरों की शक्ल में बिठा दिया जाता है ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए तो इसे हवा में ही निपटाया जा सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बारे में जहाज के अमले और एयर हॉस्टेस को भी बताया नहीं जाता। इस सर्विस को एयर मार्शल सर्विस कहा जाता है। नंबर 5, जहाज में सफर करने वाले मुसाफिरों ने अक्सर जहाज में इस तरह का निशान जरूर देखा होगा। ये वो जगह है जहाँ से जहाज के परों का मुकम्मल नजारा देखा जा सकता है और ये निशान मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि पायलट्स के लिए बनाया जाता है। अगर किसी पायलट को महसूस हो कि जहाज के परों में कोई मसला है तो वो इस निशान के नीचे वाली खिड़की से जहाज के परों का मुआयना कर सकता है। नंबर 4, क्रैश लैंडिंग के वक्त जहाज को खौफनाक झटके लगते हैं और कई केसेस में जहाज को आग भी लग जाती है और ये आयन मुमकिन होता है कि क्रैश लैंडिंग के बाद जहाज के दरवाजे नहीं खुलते, तो इस सूरत से निपटने के लिए पायलट की सीट के नीचे एक कुल्हाड़ी मौजूद होती है जो जहाज का शीशा या दरवाजा तोड़ने में काम आ सकती है। नंबर 3, एक हैरतअंगेज बात यह है कि जहाज के पायलट और को पायलट दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है और इनको एक जैसा खाना खाने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती ताकि अगर किसी एक खाने की वजह से किसी एक पायलट की तबीयत खराब हो तो दूसरा पायलट जहाज का कंट्रोल संभाल सके। नंबर 2, अगर कोई शख्स जहाज के टॉयलेट में लॉक हो जाए या बेहोश हो जाए तो इस सूरत हाल में टॉयलेट के बाहर ऑक्यूपाइड के बिल्कुल ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसपे लेवेटरी या टॉयलेट लिखा होता है। ये प्लेट सिर्फ टॉयलेट की निशानदेही नहीं करती बल्कि इस प्लेट के पीछे एक खुफिया बटन होता है जिसको दबाने से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और अब नंबर 1, जहाज में तवील सफर पर अक्सर मुसाफिरों को नींद आ जाती है और पायलट्स को भी। जी हाँ, अमूमन लंबी फ्लाइट्स में कम से कम दो पायलट होते हैं जिसमें से एक खुफिया केबिन में सो रहा होता है और दूसरा पायलट सीट पे बैठा अखबार, मैगजीन या लंच कर रहा होता है, क्योंकि टेक ऑफ के बाद तो जहाज को ऑटो पायलट पर रख दिया जाता है। एक पायलट सीट पे सिर्फ एहतियाती तौर पे बैठा होता है। इसी तरह एयर हॉस्टेस के लिए भी जहाज पे खास केबिन बने होते हैं जहाँ वो आराम कर सकती है।